हेलो दोस्तों, एडू ब्लॉसम चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन आर्मी की आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से देश के अलग अलग शहरों में आर्मी पब्लिक स्कूल, जिनको हम APS के नाम से भी जानते हैं, उनकी तरफ से PGT, TGT और PRT की वैकेंसी से डिफरेंट APS स्कूल्स के लिए निकाली गई है साल 2022 के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको आर्मी पब्लिक स्कूल्स अलग अलग देश की सिटीज में जो स्थापित हैं उनकी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी हैज़ गिवन नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ PGT, TGT एंड PRT वैकेंसीज, एंड दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड कैन अप्लाई आफ्टर फुलफिलिंग देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो एप्लीकेशन होगी वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगी। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 अगस्त 2022 से लेके लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2022 तक है। एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी 20 अक्टूबर 2022 से हो जाएगी। एग्जामिनेशन डेट 5 और 6 नवंबर 2022 है। और फाइनल जो रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, वो 20 नवंबर 2022 को अवेलेबल होगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज ऑन 1 अप्रैल 2023 जो फ्रेश कैंडिडेट है उनकी एज 40 साल से नीचे होनी चाहिए, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनकी एज 57 साल से नीचे होनी चाहिए। एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं अगर क्वालिफिकेशन की, तो PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए PG पोस्ट ग्रेजुएशन विद BEd चाहिए। TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन विद BEd चाहिए। PRT के लिए ग्रेजुएशन DEIED, BEd या BEd हो। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें 3 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज जिसका नाम ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दिया गया है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 5 और 6 नवंबर 2022 को निकाला जाएगा। देश के अलग अलग शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, और जिस स्कूल में जो भी वैकेंसी होगी वो स्कूल अपनी न्यूज़पेपर में वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट देगा, और इन सब वैकेंसीज का कंबाइंड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो एकेडमिक ईयर 2023-24 के ऑनवर्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। ये एग्ज़ाम हेडक्वार्टर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से एक सेंट्रल एजेंसी से लिया जाएगा ताकि यूनिफॉर्मिटी हो सारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स में। सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू होगी, और इसकी डिटेल जानकारी जो पर्टिकुलर स्कूल है अपनी न्यूज़पेपर या वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पे देगा कि जहाँ पे इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तीसरी स्टेज में एवेल्यूशन होगी टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसीज की। फॉर लैंग्वेज टीचर्स रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग एसी एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ 15 मार्क्स ईच विल बी हेल्ड, और साथ में एवेल्यूशन किसकी होगी, टीचिंग स्किल। सिलेक्शन कमेटी कैन आल्सो हेल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ दे डिजायर हो, यानी अगर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट की है तो सिलेक्शन कमेटी कंप्यूटर टेस्ट भी ले सकती है। अब हम बात करते हैं आर्मी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की है उसमें क्राइटेरिया कैसे शो किया गया है। PGT पोस्ट के लिए 50% क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और BEd में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से TGT में ग्रेजुएशन के 50% मार्क्स, BEd के 50% मार्क्स, और PRT में भी 50% ग्रेजुएशन और 50% अलाइड सब्जेक्ट में होने चाहिए। आगे ये भी एक नोट दिया गया है दैट इन एडिशन टू द मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स इन टेबल अबव, ए कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट इन विच दे हैव ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड। मीन अगर किसी ने मान लीजिए BSc, MSc की पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ क्वालिफिकेशन की है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी अगर बॉटनी है, जोलॉजी है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आपके उसने मार्क्स होने चाहिए। जैसे हम ऑलरेडी आपको एज और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के बारे में बता चुके हैं, इसमें हमने बताया कि फ्रेश कैंडिडेट बिलो 40 ईयर होना चाहिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट बिलो 57 ईयर होना चाहिए। बिलो 40 ईयर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और बिलो 57 जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन लास्ट 10 ईयर होना चाहिए। अप्रोप्रिएट कैटेगरी की एक्सप्लेनेशन कैसे दी गई है, फॉर PGT कैटेगरी द कैंडिडेट शुड हैव वर्कड एज PGT TGT फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स इन द लास्ट 10 ईयर कैंडिडेट, कि अगर आपने PGT पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 10 साल में से कम 5 साल आपने एज ए PGT और TGT जॉब की हो। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की।
तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी है वो ऑनलाइन पोर्टल www.awesindia.com पे होगा, अदर कोई वेबसाइट नहीं एप्लीकेबल होगी। आप इस वीडियो को पॉज करके डिफरेंट जो डिटेल से जानकारी दी गई है उसको चेक कर सकते हैं कि आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, OTP कैसे आएगा, अगर आपने अपना फॉर्म एडिट करना वो कैसे आएगा। आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, इस वीडियो को आप पॉज करके वो हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। तो उसमें जैसे आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एसेंशियल और अदर क्वालिफिकेशन अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें मान लीजिए अगर TGT की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स जहाँ बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स हो तो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल अगर आप TGT हिंदी के लिए अप्लाई करते हो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरीके से PRT क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है, आप इस वीडियो को पॉज करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको हर पोस्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट दिया गया है। जैसे हम अगर बात करें प्राइमरी टीचर की PRT की तो जो वो टेस्ट होगा वो 3 घंटे का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 होंगे। इसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन ए बेसिक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का होगा, इसकी वेटेज 10% होगी। सेक्शन बी होगा रिगार्डिंग करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी मैटर, इसकी वेटेज भी 10% होगी। और जो सेक्शन सी है वो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी का होगा और उसमें 80% वेटेज होगी। इसी तरीके से TGT की बात करें तो इसमें भी 3 वेटेज दी गई हैं, 10, 10 और 80। सेक्शन ए और सेक्शन बी सारे के लिए कॉमन होगा और जो सेक्शन सी है वो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी का होगा एज पर एस PRT TGT और PGT पोस्ट की जानकारी दी जा रही है। आपकी स्क्रीन पे हमने PGT का क्राइटेरिया भी दिखा दिया है, सेम एप्लीकेबल होगा। सेक्शन ए करंट अफेयर्स और बेसिक नॉलेज 10% वेटेज, सेक्शन बी रिगार्डिंग एजुकेशन पॉलिसी मैटर 10% वेटेज और सेक्शन सी रिगार्डिंग एकेडमिक प्रोफिशिएंसी 80% वेटेज। सो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े कैंडिडेट के लिए ये एक सुनहरा अवसर है आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे प्रोमिनेंट स्कूल्स में जॉब लेने का, PRT TGT या PGT का। जल्द से जल्द आप हमारे एडू ब्लॉसम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी आपको कोई और गवर्नमेंट नौकरी की जानकारी लेनी हो तो आप उससे वंचित ना रह सकें। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे एडू ब्लॉसम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।